नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नैनो यूरिया खाद के बारे में। फसलों में खाद के तौर पर किसानों को बड़ी मात्रा में यूरिया फर्टिलाइजर का प्रयोग करना पड़ता है। धान और खासकर दलहनी फसलों में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, जिसे पूरा करने के लिए किसानों को यूरिया डालना पड़ता है, क्योंकि यूरिया जल में आसानी से घुलने वाला नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खाद है। ऐसे में किसान बोरी बोरी भरकर यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं। कई बार जानकारी ना होने पर किसान ज्यादा मात्रा में इसका प्रयोग करके फसलों और मिट्टी तक को नुकसान पहुंचा लेते हैं। ऐसे में इसका बेहतरीन और सस्ता विकल्प भी अब आ गया है। अब एक छोटी सी 500 मिलीलीटर की बोतल में 45 किलो बोरी मात्रा जितनी यूरिया उपलब्ध होगी। दरअसल इसी साल जून महीने में ही इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी कि इफको ने नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया, जो कि 500 मिलीलीटर का और एक छोटा सा बोतल है और यह एक लिक्विड खाद है। खुशी की बात यह है कि बिहार के किसानों के लिए भी इस नैनो यूरिया को लॉन्च कर दिया गया है। 8 जुलाई को ही राज्य के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने इफको द्वारा इजाद किए गए नैनो यूरिया को लॉन्च किया है। वही लॉन्च करने के साथ ही बिहार को पहली खेप में इसकी 17,300 बोतलें मिली हैं। इफको के अधिकारियों का दावा है कि नैनो यूरिया से किसानों को फायदा तो होगा ही, साथ में सरकारी सब्सिडी के 50,000 करोड़ रुपए भी बचेंगे। बिहार के किसानों के लिए यह काफी फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इसका रखरखाव भी आसान है और इसकी मात्रा को सही तरीके से किसान प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके जरिए बिहार में सामान्य यूरिया की खपत को 50% तक कम किया जा सकता है। बताते चले कि नैनो यूरिया की 500 मिलीलीटर की एक बोतल सामान्य यूरिया के एक बैग के बराबर काम करती है। इसकी एक बोतल की कीमत 240 रुपए तय की गई है। बिहार में 10 फसलों पर 750 जगह इसका परीक्षण किया गया है और रिजल्ट में देखने को मिला कि इससे 8% अधिक उपज मिली है। अगर आप इसको खरीदते हैं तो बता दें कि दलहनी फसलों में इसे एक बार और बाकी के फसलों में दो बार छिड़काव करने की जरूरत पड़ेगी। इसकी एक नीम कोटेड वैरायटी भी आती है, जिसकी कीमत 266 रुपए है। यह सामान्य ठोस यूरिया खाद के एक बैग से 10% तक सस्ता है। इस यूरिया का छिड़काव करने के बाद 90% तक इसका प्रयोग पौधे कर लेते हैं, जबकि मिट्टी में छिड़काव वाले दानेदार यूरिया का छिड़काव करने पर उसका 64% ही उपयोग पौधे कर पाते हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि इस नैनो यूरिया लिक्विड के जरिए ज्यादा नाइट्रोजन फसलों को मिल पाते हैं, जिससे उनकी उपज की क्षमता भी अच्छी हो जाती है। बात अगर बिहार की करें तो कृषि प्रधान राज्य होने के नाते बिहार के किसानों के लिए यह वरदान है, क्योंकि दानेदार यूरिया के रखरखाव में भी परेशानी होती है, तो वहीं ज्यादा बड़े खेत में ज्यादा मात्रा में बोरी ढोकर खाद डालना पड़ता था, जिससे समय और परिश्रम दोनों ही ज्यादा लगता था। ऐसे में इफको द्वारा इजाद किया गया यह छोटा सा बोतल किसानों को कई मायनों में लाभ पहुंचाने वाला है। इफको का भी दावा है कि हर साल 18 करोड़ बोतल नैनो यूरिया का उत्पादन करके देश भर में 60 लाख मीट्रिक टन साधारण यूरिया की खपत को कम कर लिया जाएगा। नैनो यूरिया के उपयोग से साधारण यूरिया की खपत को आधा किया जा सकता है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि के साथ ही उर्वरक सब्सिडी में बचत होगी। हालांकि आपको बता दें कि नैनो यूरिया की बोतल पर सरकार किसी तरह की सब्सिडी नहीं दे रही है। इसे 240 रुपए की कीमत देकर आपको खरीदना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।